वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली ख़ान आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ हैं, आज हम आ पहुंचे हैं दुबई के एक बड़े मशहूर होटल जिसका नाम है देसी विलेज, जिस पे तरह तरह के बड़े बड़े मज़े के खाने आते हैं, पंजाबी खाने, हर तरह के खाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त जिनका नाम है अरफान हसन, वो आज हम उनको मिलने आए हैं दुबई में। वो इस होटल में जॉब करते हैं, गाते हैं और हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं और बाकी की बातें उनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरे साथ ही रहें, जाइए कहीं ना। आपका अस्सलाम वालेकुम अरफान भाई, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नज़ाकत भाई, कैसे आप? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। सब खैर खैरियत है? सब खैर खैरियत है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब मेरे देसी विलेज मेरे घर में आए हैं, तो इनको पता चला है तो मैं इनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। बहुत इनको मिस कर रहा था, इनके मेहरबानी के आप मेरे घर तशरीफ ले आए, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू। अच्छा अरफान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले ये बताएं कि आप इस होटल में कब से काम कर रहे हैं? यहाँ मैं ये देसी विलेज समझ लें कि मेरे भाई का है, मेरा है, और मैं यहाँ पे 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ के गेस्ट दूसरे कैफ़े रेस्टोरेंट जो है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फैमिलीज आती हैं, नीचे फैमिली डिनर है, ऊपर शीशा कैफ़े है। और माशाल्लाह बहुत बहुत VVIP लोग आते हैं यहाँ पे, लोकल्स आते हैं, हमारे पाकिस्तान इंडियन हमारे दोस्त भाई सब यहाँ पे आते हैं। और सब म्यूज़िक दुबई में कब से? दुबई में मुझे नज़ाकत भाई तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल? 7 साल हो गए जी। तो अब ये कोरोना की वजह से काम वाम ठीक है या कुछ भी? नहीं, अभी थोड़ा बंद भी था ना। अभी तो बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे दुबई वालों ने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया, सबका जो काम है अभी नाउ दिस टाइम। यहाँ पे एक तो सबसे बेस्ट जो है ना खाना पाकिस्तानी इंडियन स्पेशल है, जो हमारे पाकिस्तान में खाने को मिलता है तो वो यहाँ भी मिलता है। इंडियन फूड बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और यहाँ का जो समझ ले लोगों का आना जाना है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेली रश होता है, डेली लोग आते हैं, डेली हमारे बहुत प्यारे गेस्ट यहाँ पे लाते हैं। और बॉलीवुड से बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आ चुके हैं। वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा। यहाँ पे क्योंकि हमारे जो रजा भाई हैं जो इसके ओनर फ्रॉम लखनऊ इंडिया से, इंडिया से, हाँ जी, तो उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे ताल्लुक आते हैं, उनकी अच्छी PR है, तो उनकी मोहब्बत में यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ चुके हैं। वेरी गुड, अच्छा, इंडिया से। अच्छा आप ये बताएं कि आप इस होटल में क्या करते हैं? मैं जी ऐसे गुनगुनाता हूँ समझ लें। आप अच्छे सिंगर है, ऐसी बात ना करें। अच्छा। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हम लोग अभी सिंगिंग में बहुत दूर हैं, क्योंकि जो लोग गा के गए हैं ना, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, ये बहुत बड़े लोग थे, हम बस उनका जो है ना समझ लें उनको सुन के गाते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपका बड़ापन है कि आप जो है ना बड़े बड़े लोगों को सुन के उनके पीछे उनके पैरों पर पैर रख रहे हैं जी। बड़ी अच्छी बात है, ये फनकार की जो है ना यही फनकार की पहचान है, तो वो आप में है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ आप गाते हैं? जी जी, मैं यहाँ आपकी जॉब करने की। जी जी, परफॉर्म मैं यहाँ के अलावा कुछ दुबई में अक्सर जगहों पे गाता हूँ, जितने कैफे रेस्टोरेंट। जी जी। आप प्राइवेट प्रोग्राम भी करते हैं? हाँ जी, प्राइवेट गज़ल नशीस होती है मेरी, रूम गैदरिंग भी है, होटल्स भी हैं, ड्राइंग रूम विलास, तो मैं प्राइवेट यहाँ पे शोज़ करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट शो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ गाते हुए क्या पसंद आया, हारमोनियम तबले पे, लाइव परफॉर्मेंस या नॉर्मल या करोकी पे आप गा रहे थे, तो कौन सी अच्छी लगती है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा जिससे मैं लव करता हूँ वो करोके है। करोके है? हाँ जी। उसकी तो खास वजह? उसकी ये वजह है कि उसमें गज़ल भी आ जाता है, गीत भी आ जाता है, भंगड़ा भी है, उनके ट्रैक्स बने हुए हैं तकरीबन, तो लोग यहाँ पे जो सुनने आते हैं वो चौमुखी सुनते हैं। अच्छा, अच्छा। चौमुखा गाना सुनते हैं, उसमें गज़ल भी, भंगड़ा भी, डिस्को, ये पॉप, रैप, हर चीज़। और मेरे जो फेवरेट हैं खान साहब मेहती हसन खान साहब, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, और उसके बाद हाँ जी मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोरदा जी, जगजीत सिंह साहब, ये सब आपको पसंद है। आपका फेवरेट एक आर्टिस्ट कौन सा है जो दिल को भाता है? खान साहब, मेहती हसन खान साहब। क्या बात है, वो तो फिर क्या बात है। शहनशाह गज़ल, गज़लों में जी। तो गानों में? गानों में मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत आपको अच्छी लग रही हैं, आज हम उनसे रिक्वेस्ट करके आपको गाना भी सुनाएंगे क्योंकि वो इस होटल में गाते हैं। तो जनाब मुझे ये बताएं कि आप
कुछ सुनाएं हमारे नाज़। जी जी खान साहब, क्यों नहीं, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक अस्थाई संचार हमें फिर कुछ मोहम्मद रफ़ी साहब की कोई चीज़ या जो पसंद करते हैं वो सुनाएं। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना वो हमारे व्यूअर्स देखने वाले और आपके लिए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। क्या बात। एक भटके हुए राही को मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि मिल गया। तो जनाब फिर आप ये कि आप किशोर कुमार को भी बड़ा अच्छा लाइक करते हैं तो उसका भी कुछ सुनाए और हमें पाकिस्तानी गाना भी आपने सुनाना है। ओके ओके जी खान साहब, किशोर जी का एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग फॉर एवर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू नज़ाकत अली खान साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, बल्कि मैं चाह रहा था ये करते। बहुत थैंक यू, इसलिए कि यहाँ पे खाना भी अच्छा है, गाना भी अच्छा है। क्या बात। और लोग बहुत आते हैं, और जो लोग हमारा ये फैन है, व्यूज़ है, जो ये लोग देखते हैं, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप देसी विलेज एक दफ़ा आकर देखिए, एक बार जरूर, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप ये बताएं फिर, आप उन्हें आप दावत दें ताकि वो आएँ, आपके दोस्त हज़रात जहाँ भी हैं दुबई वाले, और एक बार ज़रूर ट्राई करें। किसे कहने पर? हमारे अरफान भाई के कहने पर। तो अरफान भाई, इसी तरह बातों के साथ ही एक मेहंदी हसन साहब का पाकिस्तानी गाना हो जाए। प्यार भरे दो शर्मीले ने, क्या बात, जिनको मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले ने, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, मैं अरफान भाई आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कोई म्यूजिक के लवरों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे तो बताएं। जी जी, म्यूजिक लवर यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सब लोग इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ म्यूज़िक लवर हैं। अच्छा। और यहाँ पे देसी विलेज में मुझे सुनने के लिए ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी दोनों आते हैं। अच्छा। और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये जो यंग जनरेशन आजकल म्यूज़िक कर रही है, तो किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, आपको इसके बारे कुछ पसंद है नहीं पसंद, कुछ पैगाम देंगे पब्लिक के लिए जो म्यूज़िक के लवर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं खान साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितने भी आजकल नया काम कर रहे हैं ना,
कर म्यूजिक कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे म्यूजिक पसंद है, तो मैं उनको भी लाइक करता हूँ। बड़ी अच्छी बात, बस देख ले आज हम आपके पास आए और आपके बड़े क्लोज होके बैठे हैं क्योंकि हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत आपकी मोहब्बत है कि आप मेरे क्लोज होके बैठे हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत जी नाज़रीन, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अरफान हसन भाई का, जो कि बड़े प्यारे सिंगर हैं और आज इनके पास हम आए, इन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी, बड़ा प्यार दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहे आपके साथ हमेशा की तरह। आपका अपना कौन, एक ही नाम, नज़ाकत अली खान।